हेलो क्लास ट्वेल्थ लर्नर, सो हाउ आर यू ऑल। सो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करते हैं, और बहुत ही ईजी वे में हम सीख लेंगे। और आपको मेरी सारी जो वीडियोज़ है उसका लिंक जो है वो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं अपनी वीडियोज़ में जितने भी नोट्स यूज़ कर रहा हूँ सबके पीडीएफ लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, सो दैट आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपको इन्विटेशन राइटिंग का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। चार तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फॉर्मल इनविटेशन लिखो, या फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई दो, या इनफॉर्मल इनविटेशन लिखो, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई दो। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने सारे ही टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर करके रखे हैं इसी चैनल पर। इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इनफॉर्मल इनविटेशन होता है तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। पहली बात है, इनफॉर्मल इनविटेशन का ये मतलब नहीं है कि वो इनविटेशन सिर्फ आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को ही लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब होता है वो इनविटेशन जो लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि एक पूरे पोस्टर के फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक कार्ड नहीं बनाया जाता। जब एक कार्ड बनाया जाता है वो फॉर्मल इनविटेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना, इनफॉर्मल इनविटेशन भी हम एक कंसर्न्ड अथॉरिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, बट वो एक लेटर के फॉर्म में होता है, इनफॉर्मल लेटर वाला उसका फॉर्मेट होता है, इसलिए उसको इनफॉर्मल इनविटेशन बोल दिया जाता है कि वो एक प्रॉपर कार्ड के फॉर्म में नहीं है। अब अगर आपको कोई इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई लिखने को आता है तो आपको कैसे करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनविटेशन लिखने को आएगा, रिप्लाई लिखना भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनफॉर्मल इनविटेशन और उसका रिप्लाई दोनों में ही आप इनफॉर्मल लेटर वाला ही फॉर्मेट यूज़ करोगे। ठीक है, जो फॉर्मेट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही फॉर्मेट यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने एक सॉल्व एग्जांपल लिया, सीधा सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर लो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे दिया है यू आर डॉक्टर स्टेंजन, तो आपका नाम दिया हुआ है, सर्टिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट फ्रॉम ले। आप आर्ट थेरेपिस्ट हो कहाँ से, ले से। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय, आपको किसने इन्वाइट किया, GD पब्लिक स्कूल ने इन्वाइट किया जम्मू, टू कंडक्ट अ सेमिनार। किसके लिए इन्वाइट किया गया, एक सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। किसके लिए सेमिनार है, फॉर स्टूडेंट्स ऑन आर्ट थेरेपी द वे फॉरवर्ड। आर्ट थेरेपी पे सेमिनार है और उसके आगे टैगलाइन है द वे फॉरवर्ड। दिस सेमिनार इज टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द यूजफुलनेस ऑफ आर्ट इन एनालिसिस। तो ये जो सेमिनार है किसके लिए है, यूजफुलनेस ऑफ आर्ट के लिए है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में बता दी गई है, बट अब यहाँ पे हमें उसका रिप्लाई लिखना है। राइट इनफॉर्मल रिप्लाई इन अबाउट 50 वर्ड्स एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। कि अगर अब आप रिप्लाई लिख रहे हो कि हाँ मैं इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, कैसे लिखना है, बहुत आसान है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपका ये सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, जैसे आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हो 25 जम्मू एस्टेट एंड देन जम्मू। फिर लाइन छोड़ के आपकी डेट आ जाएगी। डेट आप कैसे लिखते हो बच्चे, डेट इज़ वेरी वेरी सिंपल। डेट आप लिखते हो 13 मई 2022, ये मैंने आपकी एग्जाम्पल ही डेट लिख दी है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सर। तो देखो, रिसीवर्स एड्रेस इनफॉर्मल लेटर में भी नहीं लिखा जाता है, ना इनफॉर्मल इन्विटेशन में लिखा जाता है, ना ही यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सीधे हमने सर लिखा। अब देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कॉमन है, या आप हर रिप्लाई में लिख देना, बस अपने हिसाब से चेंज कर लेना क्वेश्चन के हिसाब से। थैंक्स फॉर योर इनविटेशन, ये तो सबके साथ आपको लिख देना है, थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। अब इनविटेशन किसके लिए, क्वेश्चन के हिसाब से लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ सेमिनार ऑन आर्ट थेरेपी द वे फॉरवर्ड। ठीक है, और वो उस जो सेमिनार है उसका कंसर्न क्या है, वो हमने क्वेश्चन से उतारा, फॉर योर कंसर्न फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द यूजफुलनेस ऑफ आर्ट। ये क्वेश्चन में था, थोड़ा सा हमने अपनी मर्जी से भी ऐड किया कि थोड़ी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए इन डीलिंग विद पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि कैसे पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स को डील करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। अब सपोज आप बोल रहे हो कि मैं आपके सेमिनार में आऊँगा, तो आपका मोटिव क्या है, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस विद द यंग माइंड्स ऑफ योर एस्टीम एस्टीम स्कूल। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन भी आप कॉमन सब इन्विटेशन में लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस, है ना, ये लिख सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया विद द यंग माइंड्स ऑफ योर एस्टीम स्कूल, कि मैं चाहता हूँ, देखो आप एक डॉक्टर हो, आप एक थेरेपिस्ट हो, आर्ट थेरेपिस्ट हो, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि जो यंग बच्चे उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो थोड़ा सा तो क्रिएटिविटी दिखाना कि जो चीज़ क्वेश्चन में लिखी है उस हिसाब से एक या दो सेंटेंसेस अपने हिसाब से लिख लेना। और ये वाली लाइन तो आपने एज इट इज हर रिप्लाई में लिखनी, अगर आप उसको एक्सेप्ट करो, आई हेयर बाय कंसेंट टू कंडक्ट द सेम, इसका मतलब मैं राजी हूँ और मैं हाँ बोलता हूँ कि हाँ मैं आपके इस इवेंट में आऊँगा और मैं आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ। योर सिंसियरली डॉक्टर स्टेंजन,
यही तरीका है बच्चे इस इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखने का, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपका इनफॉर्मल लेटर वाला ही फॉर्मेट है। इसकी जो पीडीएफ लिंक है, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। बाकी भी मेरी वीडियोस बच्चे अपलोड हो रही हैं, कुछ हो चुकी है, वहाँ से आप टर्म टू का सिलेबस पढ़ सकते हो, स्पेशली राइटिंग सेक्शन का। और मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिंक्स मिलते जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म टू एग्जाम्स। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करना। ओके एंड हैव अ वेरी नाइस डे।